गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। मैं हूं डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी एजुकेटर एंड अ मेंटर। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आवर प्रेजेंट सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन द रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। सो एज ऑल ऑफ यू नो, दिस इज द सेशन 4 ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑल्सो द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। और ये सीरीज मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी के सीरीज में ही इंक्लूडेड है। हम मैपिंग के परस्पेक्टिव से देखने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू सी ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मैपिंग। और ये सेशन 4 है। इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ 3 सेशंस, जिसमें हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व्स के क्या कहते हैं बेसिक्स पढ़े पहले सेशन में। देन वी फोकस अपॉन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड देन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आज हमारा पूरा फोकस रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व पे है। और इसके बाद यू विल नॉट नीड एनी रेफरेंस रिगार्डिंग दिस बायोस्फीयर रिजर्व। कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सबसे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो अन अकेडमी एजुकेटर एंड अ मेंटर on Unacademy platform, taking up special classes, taking up plus courses, taking up the YouTube classes upon the Unacademy. And in fact, current affairs ka jo daily session aata hai on Unacademy's YouTube channel, Let's Crack UPSC CSE, please follow it for the most authentic current affairs videos. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके पहले I suppose all of you remember biosphere reserves क्या होते हैं। biosphere reserves are geographical territories, एक recap में दे रहा हूँ, geographical territories, they are learning places for sustainable development। ये देखिए big geographical territories, ये देखिए demarcated for ecosystem conservation, ecosystem conservation पे focus। साथ में students, along with ecosystem conservation the focus is also on the welfare of the locals, welfare, sustainable living पे focus है, welfare of locals। यस, लोकल्स को लेकर साथ में उनका नॉलेज उनका ज्ञान लेकर इकोसिस्टम कंजर्व किया जाए और उनको भी बेनिफिट पहुंचाया जाए। इनफैक्ट इसीलिए यहां लिखा हुआ है इट्स अ लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लिविंग। यस, एंड ये बायोस्फीयर रिजर्व सारे कंट्रीज अपने यहां डिमार्केट करते हैं, उसमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स विच सेटिस्फाई द पैरामीटर्स ऑफ यूनेस्को। पैरामीटर्स ऑफ यूनेस्को सेटिस्फाई होता है तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB में उसे इंक्लूड किया जाता है। तो यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1971, द बायोस्फीयर रिजर्व्स विच फाइंड देयर वे इन दिस लिस्ट आर गिवन अ सेपरेट फंडिंग, सेपरेट असिस्टेंस, सेपरेट सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, and in fact these biosphere reserves provide local solutions to global challenges, very very important. to chaliye aage badhte hain, dekhte hain ye biosphere reserves mein maine bataya tha already ye teen core areas, teen areas hote hain. pehla core area jahan pe koi bhi activity prevented hai, only research is allowed, you can see it here research. uske bahar buffer area, you can see buffer zones jisme all the 4 activities, human settlement, research, education and training and tourism is allowed. ह्यूमन सेटलमेंट किसका, लोकल्स का, वहां पे लोकल ट्राइब्स, दैट्स इट। एंड ट्रांजिशनल एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स, यू कैन सी इट हियर। और टूरिज्म भी, रिसर्च भी, एजुकेशन भी, सब चीजों फोकस। और ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 इनिशिएटेड बाय यूनेस्को फोकसेस अपॉन डेवलपिंग द नेचुरल एंड द सोशल साइंसेज फॉर रेशनल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यस, बायोस्फीयर के इकोसिस्टम के जो सर्विसेज हैं उनका रेशनल इस्तेमाल किया जा सके। और ये देखिए इनफैक्ट इट प्रेडिक्ट्स द कंसीक्वेंसेस ऑफ टुडेज एक्शन ऑन टुमारोज वर्ल्ड। यस, इसीलिए सबसे ज्यादा जो सस्टेनेबल तरीका होगा उसके हिसाब से वहां पे इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्रमोट किया जाएगा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए, ये है इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें हम लोग आज रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व देखने वाले हैं। यू कैन सी इट हियर, इट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। यस, स्टेट ऑफ गुजरात बहुत फेमस है। आइए बढ़ चलें इसकी तरफ, देखें
गुजरात स्टेट में देखिए, ये जो पूरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ, और ये देखिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ पेनिनसुला जो है ये पूरा का पूरा इसके अंदर आता है, यू कैन सी इट हियर। सो दीज आर द सलाइन मार्शेस, सॉल्ट पैन से यहाँ पे सलाइन मार्शी एरियाज है, यस ठीक है, यानी दलदल की तरह का इलाका है बहुत हद तक। और देखिए यहाँ पे इसके अलावा स्टूडेंट्स, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये सुरेंद्र नगर में भी, राजकोट में भी, और पतन डिस्ट्रिक्ट में भी, यू कैन सी इट हियर, ऑल थ्री डिस्ट्रिक्ट्स अपार्ट फ्रॉम कच्छ, ऑल द फोर डिस्ट्रिक्ट्स, कच्छ, पतन, सुरेंद्रनगर एंड राजकोट, ऑल फोर डिस्ट्रिक्ट्स इट इज लोकेटेड। और अगर देखा जाए ये रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको भी दो में सब डिवाइड किया गया, देखिए ग्रेटर रन ऑफ कच्छ ये देखिए नॉर्थ में, लिटिल रन ऑफ कच्छ ये देखिए साउथ में। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो द रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज डेजिग्नेटेड एज द 15th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन जनवरी 2008। दिस डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन 15th बायोस्फीयर रिजर्व 2008 ठीक है डिमार्केट किया गया। और ये देखिए फोर डिस्ट्रिक्ट्स, कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर एंड पतन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात स्टेट इंडिया। इसके अंदर दो सब डिविजन्स, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। और ग्रेटर रन ऑफ कच्छ के अंदर बहुत सारे, मैंने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स, वन बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ मेनी नेशनल पार्क सैंक्चुअरीज ठीक है, नेशनल पार्क सैंक्चुअरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इनफैक्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये सारे छोटे छोटे प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। और रन ऑफ कच्छ में भी ऐसा ही है, रन ऑफ कच्छ में जो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ है उसके अंदर डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, यू कैन सी इट हियर, एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस सेंचुरी, यू कैन सी इट हियर। तो यही देखिए मैप पे देखेंगे हम लोग, हैव अ लुक, दिस इज द मैप, जस्ट अ मिनट, ये देखिए वापस ये मैप देखिए, यहीं पे देखिए डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन रन ऑफ कच्छ, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लिटिल रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस सेंचुरी, यस। तो यही मेजर एरिया ऑक्यूपाई करता है, ये दोनों सेंचुरीज अपने रीजन में मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। और ये देखते हैं ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में है, बोलो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ वेरी फेमस ठीक है, वो सॉल्ट पैन से, वहाँ पे मार्शी एरिया भी है ठीक है, मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, विच गेट्स ड्राइड अप इन द दिस समर मंथ्स। और कच्छ के अंदर ये देखिए यहाँ पे जो जिसके कहते हैं आइलैंड्स, कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स को वहाँ पे बेट भी कहते हैं। तो ये देखिए खदिर बेट एक बहुत क्रूशियल आइलैंड, बहुत फेमस ठीक है। और पच्छम आइलैंड ये देखिए, ये भी लार्जेस्ट आइलैंड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, यू कैन सी इट हियर, पच्छम आइलैंड एंड खदिर आइलैंड। और ग्रेटर रन ऑफ कच्छ के ये दोनों आइलैंड्स बहुत फेमस हैं, कुछ बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, बर्ड्स आते हैं ब्रीडिंग के लिए, दीज बर्ड्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनका नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन, ग्रेटर फ्लेमिंगोस बर्ड्स किस जगह पे ब्रीडिंग करने के लिए मास नंबर्स में आते हैं, इट्स द ग्रेटर रन ऑफ कच्छ सेंचुरी, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, पच्छम आइलैंड एंड खदिर बेट। और यहां देखिए यहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, यस स्टूडेंट्स, द ग्रेटर रन ऑफ कच्छ ऑल्सो हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव में गुजरात सेकेंड रैंक पे आता है आफ्टर सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, यस, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रेटर फ्लेमिंगोज आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग अप फ्रॉम द आउटसाइड द सेंट्रल एशिया पोर्शन, एंड दिस मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, यहीं पे बन्नी ग्रासलैंड्स बहुत फेमस लोकल ग्रासलैंड्स, ये बनी इनफैक्ट वर्ड निकला है बनाई ग्रासलैंड से, बनाई ठीक है, तो इसे बनी ग्रासलैंड सब नाम दिया गया है ठीक है। तो ये देखिए दिस इज द लोकल ग्रासेस, बहुत रिच ग्रासेस थी पहले, एंड ये यूपीएससी का नाज द क्वेश्चन, बनी ग्रासलैंड्स या बनाई ग्रासलैंड्स किस रीजन में है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ ऑफ द रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। बट ये बनी ग्रासलैंड्स वर स्टार्टेड मीन्स दे गॉट डिग्रेडेड, और इसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जॉटिक स्पीसीज लाए गए बाहर से,
बनी ग्रासलैंड्स का जो इकोसिस्टम है उसे कंजर्व किया जा सके। इन शॉर्ट बनी ग्रासलैंड्स डिग्रेड कर रहे थे एंड यहां पूरा सलाइन बेल्ट आ रहा था। इस बेल्ट में सलाइन बेल्ट वाज इंक्रीजिंग इन दिस रीजन एंड इसीलिए एक एग्जॉटिक स्पीसीज लाया गया, नाम है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। यूपीएससी ने ऑलरेडी ये सवाल पूछा हुआ है, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा ये एक एग्जॉटिक स्पीसीज, बाहर का स्पीसीज। ये देखिए स्टूडेंट्स, और ये स्पीसीज अब जाके यहां इन्वेड कर गया। ये लाया गया था बैलेंस करने के लिए लेकिन इसने लोकल ग्रासेस को बाहर कर दिया। इन शॉर्ट प्रोसोपिस जूली फ्लोरा हैज एक्टेड इन अ नेगेटिव फैशन। नेगेटिव फैशन, इसे गंदा बबूल भी कहते हैं इसे लोकल्स वहां पे, ठीक है, गंदा बबूल का पेड़, ठीक है, नेगेटिव फैशन अपॉन द बन्नी ग्रासलैंड्स। इसीलिए ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, एग्जॉटिक स्पीसीज बाहर का स्पीसीज लाया गया और इसने इन्वेड कर दिया, यहां पे इन्वेजिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। इन्वेजिव स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? इन्वेजिव मींस कि लोकल स्पीसीज को वो वहां से खत्म कर रहा है, अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रहा है। यस, तो ये देखिए बन्नी ग्रासलैंड्स, देखिए कितना स्प्रॉलिंग ग्रासलैंड्स थे, कितना रिच ग्रासेस, और ये खत्म हो रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ गंदा बबूल दैट इज प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन इन 2016। यस प्रीलिम्स, तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेटर रन ऑफ कच। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स, ये देखिए ग्रेटर रन ऑफ कच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए इस बेल्ट में यहां पे ग्रेटर रन, ये देखिए खदिर खदिर। एंड हाँ मैं भूल गया, ग्रेटर रन ऑफ कच में एक क्रूशल जगह है, फ्लेमिंगो सिटी नाम है। फ्लेमिंगो सिटी इज फाउंड इन ग्रेटर रन ऑफ कच। यस, ये इतना बड़ा रीजन है जहां पे फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज बर्ड्स आते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगोज आपने अभी देखा स्टूडेंट्स, दीज बर्ड्स कम अप इन ह्यूज नंबर्स, इन लैक्स दे कम अप इन दिस रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिटिल रन ऑफ कच में इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पे आइए देखते हैं लिटिल रन ऑफ कच। ये देखिए लिटिल रन ऑफ कच कवरिंग एन एरिया ऑफ 4,954 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड यूनिक लैंडस्केप्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। डेटा नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दैट यहां पे वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड है, इंडियन वाइल्ड एस यहां पे पाया जाता है। ये देखिए इंडियन वाइल्ड एस, यू कैन सी इट हियर, इट्स अ सब टाइप ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस। एशियाटिक वाइल्ड एस बहुत जगहों पे पाया जाता है, वो बहुत प्रकार का है, उसका मीन्स इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स द एशियाटिक वाइल्ड एस, एंड वन टाइप इज द इंडियन वाइल्ड एस, वन टाइप इज सीरियन वाइल्ड एस, यस, वन टाइप इज फाउंड इन द मंगोलिया, मंगोलियन वाइल्ड एस, यस, ठीक है। तो ये देखिए, और इसे और भी एक नाम दिया गया, यहां देखिए आप, हैव अ लुक स्टूडेंट्स, इट्स नोन एज खुर या एशियाटिक वाइल्ड एस का ये स्पीसीज है, खुर नाम है इसका, वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द वर्ल्ड। और ये देखिए इस बेल्ट में ग्रेटर फ्लैमिंगोज एंड लेसर फ्लैमिंगोज दोनों आते हैं, ये देख सकते हैं आप, यानी होल रन ऑफ कच इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दिस फ्लैमिंगो बर्ड्स। ये देखिए ह्यूज नंबर्स में आ रहे हैं, फ्लॉक्स में आ रहे हैं, ये देखिए आप। और ये देखिए लिटिल रन ऑफ कच में एक और भी पॉइंट है, यहाँ पे यू कैन सी इट हियर, लिटिल रन ऑफ कच से में ये एशियाटिक वाइल्ड एस पाया जाता है, एशियाटिक वाइल्ड एस का सब टाइप इंडियन वाइल्ड एस। आज की तारीख में ये नियर थ्रेटेंड है, यू कैन सी द स्टेटस, नियर थ्रेटेंड अपॉन IUCN, IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड। एंड ये इंडियन वाइल्ड एस यहां का एंडेमिक है, यहां का एंडेमिक है, यस, एंडेमिक एनिमल ऑफ दिस रिजर्व, नियर थ्रेटेंड। और ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है इसके बारे में, यू कैन सी दिस इंडियन वाइल्ड एस, गुड़खुर या खुर या इंडियन ओनेजर, ठीक है, इट्स अ सब स्पीसीज, ठीक है, इट्स द सब स्पीसीज ऑफ द एशियाटिक वाइल्ड एस फाउंड इन साउथ एशिया, नियर थ्रेटेंड लिस्टेड है IUCN में, लेकिन इसके पहले ये लिस्टेड था एंडेंजर्ड, इट वॉज एंडेंजर्ड आउट हेयर, लेकिन अब इसके नंबर्स बढ़े, नियर थ्रेटेंड में इसको शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत हद तक इसे डेंजर है
खत्म होने का। ये देखिए ओनली 4,400 इंडिविजुअल्स आर फाउंड एट प्रेजेंट, तो दिस इज इट। बाहर जितने भी इसके इंडिविजुअल्स पाए जा रहे थे 2015 का डेटा है, सब खत्म हो गए, केवल यही जगह रह गई है जहां पे ये पाए जा रहे हैं, दैट्स इट। तो इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड एंडेमिक, इट्स एंडेमिक टू द बेल्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ एट प्रेजेंट। और ये देखिए रन ऑफ कच्छ में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इट्स सलाइन डेजर्ट प्लेन से, यहाँ पे रॉकी एंड थॉर्न स्क्रब है, एरिड ग्रासलैंड्स हैं, यस मार्शी एरियाज हैं, और इसी में जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स जो द्वीप हैं, जो भी रेज्ड एरियाज हैं उनको बेट्स कहते हैं। ये देखिए अभी आपने ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में भी पढ़ा बेट्स, खदिर बेट, दैट मीन्स आइलैंड, दैट्स इट। तो यहां भी बहुत सारे बेट्स हैं, द होल एरिया गेट्स फ्लडेड ड्यूरिंग मॉनसूनस एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज बेट्स कम अप रीसर्फेस। और यही वजह ये रन ऑफ कच्छ के आसपास बहुत ज्यादा सॉल्ट पैंस हैं, और यहीं से लोकल ट्राइबल्स अगड़ियास कहते हैं, दे प्रिपेयर सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द अगड़िया कम्युनिटी प्रिपेयर सॉल्ट, दे आर द लोकल सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स रन ऑफ कच्छ में सॉल्ट पैन से सॉल्ट निकालने के लिए। सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ डिस्कशन, यहां पर रन ऑफ कच्छ में इतना याद रखना है, दो रन, ग्रेट रन ऑफ कच्छ या लिटिल रन ऑफ कच्छ, और स्पीसीज में फ्लेमिंगोस इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट इंडियन वाइल्ड एस। और ये पूरा एरिया स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है बायोडायवर्सिटी में, यस, डोंट थिंक ये सलाइन मार्शेस है तो यहां पे कुछ पाया नहीं जाएगा, ये पूरा डिस्टिंक्ट है, यहां का स्पीसीज ही अलग है, यू कैन सी इट हियर, इतने ज्यादा बर्ड्स, ये इंडियन वाइल्ड एस। और ये देखिए बन्नी ग्रासलैंड्स, ये देखिए स्प्रॉलिंग ग्रासलैंड्स, यस। और इसके बारे में एक कहानी भी बहुत मशहूर है स्टूडेंट्स, दैट 1819 के आसपास अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उसके पहले कहा जाता है, लोकल्स कहते हैं दैट ये बन्नी ग्रासलैंड से होकर इंदस रिवर फॉल करती थी इन द अरेबियन सी, एंड दिस अर्थक्वेक शिफ्टेड द कोर्स ऑफ इंदस टुवर्ड्स सिंध, वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गया इंदस का कोर्स, यस। ये लोकल्स के बीच में ये फेमस है, ये आप इवेंट कह लीजिए, आप स्टोरी कह लीजिए, ठीक है, लेकिन यस बन्नी ग्रासलैंड्स जितने स्प्रॉलिंग है उससे ये लगता है स्टूडेंट्स, वी जस्ट कैन जस्ट प्रेडिक्ट दैट यस ये वाटर रिच रीजन था पहले, यस। और यहां देखिए एक इंदस वैली का साइट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड द सेशन, ढोलावीरा द इंदस वैली साइट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट is located on the Khadir Bet, you can see it here, greater run of Kutch ke andar Khadir Bet ke upar Dholavira shahar, yes Dholavira past mein bahut famous shahar Indus Valley ka, ye dekhiye, aur water conservation mein Dholavira bahut aage tha Indus Valley civilization ke samay, yes। aur yahan pe do choti nadiyan flow karti hain, Mansar and Manhar, very important, Mansar and Manhar nadi flowing out in this belt, वॉटर कंजर्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ढोलावीरा, ये द हिंदू का न्यूज है जो आप अभी देख रहे हैं। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी कि कौन सा विच सिटी ऑफ इंदस वैली वॉज फोकसिंग ऑन वॉटर कंजर्वेशन, इट्स ढोलावीरा। और ये देखिए लास्ट में रन ऑफ कच्छ में एंशियंट रिवर्स, ये अभी भी रिसर्च चल रहा है, दिस क्या कहते हैं, यहां से एंशियंट रिवर्स फ्लो करती थी, एक रिवर चैनल पेलियो चैनल खोजा गया है, ठीक है, ओल्ड चैनल, पेलियो मींस ओल्ड चैनल ऑफ रिवर, यस। और इस के बारे में कहते हैं कि सरस्वती रिवर वॉज फ्लोइंग थ्रू दिस बेल्ट, यू कैन सी इट हियर, स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन। लेकिन बता दूं मैं दैट एट प्रेजेंट रन ऑफ कच्छ में एक रिवर फ्लो करती है फ्रॉम राजस्थान, इट फाइंड्स इट्स वे इन दिस बेल्ट, रिवर लूनी, यस रिवर लूनी एंड्स इन ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, लोकेट कर लीजिएगा मैप पे स्टूडेंट्स, रिवर लूनी। सो दैट वाज इट ऑल अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जरूर से ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में डेजर्ट सैंक्चुअरी, लिटिल रन में इंडियन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बन्नी ग्रासलैंड्स, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, ठीक है, और खदीर बेट, ग्रेटर फ्लेमिंगोस, ठीक है, पच्छम आइलैंड, मैंग्रोव्स एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन
इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाना चाहिए। एंड ढोलावीरा, टू एंड द सेशन, ढोलावीरा के बारे में मैंने बताया इंडस वैली साइट। सो दैट्स इट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल एंड द सेशन, द नेक्स्ट सेशन विल फोकस अपॉन द ईस्ट हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व्स, कंचनजंगा, उसके बाद मानस बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग एंड नोकरेक विल फोकस अपॉन। सो दैट्स इट, एंड एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, and don't forget to subscribe to the YouTube channel IAS Knowledge Mantra. I will end the session now.